कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का चौंकाने वाला दावा, महाराष्ट्र में इस साल जुलाई तक 1555 किसानों ने की खुदकुशी, सरकार की उदासीनता के चलते जान दे रहे किसान। कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण पाटिल का बड़ा पलटवार, संजय राउत को बताया सबसे बड़ा दलाल, बोले उन्होंने पूरी जिंदगी यही किया है। संसद में भाई के जिक्र पर भावुक हुई सुप्रिया सुले, नाम लिए बिना अजित पवार पर साधा निशाना, बोली हर घर में ऐसे भाई नहीं होते। कारोबारी मेहुल चौकसी की याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज, चौकसी ने कहा था कि ईडी की अर्जी में कई खामियां, 14,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में आरोपी है चौकसी। पांच पायलटों के इस्तीफे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची आकाशा एयरलाइंस, 105 करोड़ का मांगा मुआवजा, कंपनी ने कहा पायलटों ने 6 महीने का नोटिस पीरियड पूरा किए बिना छोड़ी कंपनी। महाराष्ट्र में आईएमडी ने जताई भारी बारिश की आशंका, 24 और 25 सितंबर को हो सकती है भारी बारिश, मुंबई पुणे समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मुंबई के हीरा पन्ना मॉल में लगी भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास जारी। मुंबई में एक व्यक्ति ने महिला और उसकी बेटी पर चाकू से किया हमला, फिर खुद ने भी किया आत्महत्या, राहुल निषाद के रूप में हुई आरोपी की पहचान। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में धूमधाम से हुआ गणेश विसर्जन, अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई, बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज भी रही मौजूद। सुखी की रिलीज पर मां के साथ लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने पहुंची शिल्पा शेट्टी, पूजा हेगड़े ने भी किए बप्पा के दर्शन, मल्टी कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी शिल्पा।